अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुर्ती का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती की कटिंग हो गई है। कुर्ती को मैंने चेस्ट, कमर और हिप से एक एक इंच कम रखा है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डिज़ाइनिंग करके वो फैब्रिक स्टिच करेंगे फिटिंग वाली सिलाई के सेंटर में। और अब स्लीव्स को कट करते हैं। कटिंग करने के बाद अब शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी शर्ट के दोनों साइड हैं, फ्रंट और बैक, और दोनों का दामन हमने स्टिच कर लिया है। नीचे हमने पिंक कलर की पट्टी स्टिच की है। और ये जो फिटिंग वाली साइड है, यहाँ से हम तकरीबन एक एक इंच फैब्रिक नीचे की साइड पर फोल्ड कर देंगे। नीचे दामन तक हम ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। ये दूसरी साइड से भी फैब्रिक को एक इंच नीचे की साइड पर फोल्ड कर दिया है और शर्ट के बैक साइड के फैब्रिक को भी फोल्ड कर लिया है, ये देखें। इसके बाद जहाँ से हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर हम चौक से निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी फिटिंग होगी वहाँ से हम हल्की सी फिटिंग की शेप दे देंगे ऐसे, बाकी निशान हम उसी के ऊपर लगाएंगे। ऐसे
ऐसे हमने चारों साइड से चौक से निशान लगा लिया है। इसके बाद ये सीधे कपड़े की पट्टी हमने रेडी कर ली है। इस पट्टी में से हम दो दो इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। ऐसे हम काफ़ी सारी पट्टियों को रेडी करेंगे। दो कलर की हमने पट्टियाँ रेडी की हैं, एक प्रिंटेड पट्टी रेडी की है और दूसरी हमने पिंक कलर की पट्टी रेडी की है। इसके बाद हम अपनी शर्ट लेंगे और इसके ऊपर शर्ट के साथ की पट्टी को स्टिच करेंगे। ऐसे पट्टी को डबल करके यहाँ पर रखेंगे और जो हमने निशान लगाया था तकरीबन एक इंच के गैप पर, उसके ऊपर से हम इसको स्टिच करेंगे यहाँ से। इसी तरह से हम तकरीबन एक या डेढ़ इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर दूसरी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। हिप्स तक हम ये प्रिंटेड पट्टियाँ स्टिच करेंगे और हिप्स के नीचे जहाँ से हमारे स्लिट्स स्टार्ट होंगे वहाँ पर हम पिंक कलर की पट्टियाँ स्टिच करेंगे। यहाँ से हमारे स्लिट्स स्टार्ट हो गए हैं तो यहाँ पर हम पिंक कलर की पट्टियाँ स्टिच करेंगे। ऐसे हमने नीचे तक पट्टियों को स्टिच कर लिया है, ये देखें। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी पट्टियों को स्टिच कर लिया है और ये पट्टियों को हमने बिल्कुल आमने सामने स्टिच किया है, ऊपर नीचे स्टिच नहीं करेंगे। और इसके बाद हम ये पिंक कलर का फैब्रिक लेंगे तकरीबन डेढ़ इंच चौड़ा, इसको हम ऊपर से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हल्का सा फोल्ड करके पट्टियों के ऊपर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये फैब्रिक हम स्लिट्स पर स्टिच करेंगे। एक साइड पर स्टिच करने के बाद हम फैब्रिक को दूसरी साइड पर स्टिच करेंगे। नीचे से हम फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे। यहाँ तक हम पट्टी को स्टिच करेंगे, यहाँ से हमारे स्लिट्स स्टार्ट हो रहे हैं। पट्टी को स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे और शर्ट के थोड़े से फैब्रिक को यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसके बाद पट्टी को, ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी नीचे की साइड पर, उसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। पट्टी को हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। पट्टी को हमने रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम ये पिंक कलर का फैब्रिक लेंगे, इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन साढ़े तीन इंच ली है और इस फैब्रिक की लेंथ हमने 17.5 इंच है। इसके नीचे हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है और ये जो नीचे हमने फैब्रिक छोड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद हम
इसको डबल करेंगे और जिस साइड से हमने इसे डबल किया है उस साइड से हम स्केल रखेंगे और एक इंच के गैप पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल हमारा एक इंच का है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक इंच के गैप पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से हमने दोनों साइड पर एक एक इंच के गैप पर लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम अपनी शर्ट लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हम शर्ट को इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। शर्ट की एक साइड को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड लेंगे और इस दूसरी साइड को हम फैब्रिक के इस साइड पर स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने शर्ट के दोनों साइड के सेंटर में इस फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। जहाँ से हम फिटिंग करते हैं वहाँ पर हमने इसको स्टिच किया है। और अगर आपकी कोई शर्ट टाइट हो गई है तो उसे खुला करने के लिए भी ये डिज़ाइन बेस्ट रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।